अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करें तुसां सारे ठीक हो सो, खैर वाफियत नाल हो सो, तुहाडे रोज़े माह रमज़ान अच्छा गुजरदा पियो सी। असां अज अपनी नई वीडियो दे नाल हाजिर हाँ। अज असां एक बड़ी खूबसूरत जगह ते आए हुए हाँ, बिलोट शरीफ के पहाड़ इन जगह ते। असां आखे अज वीडियो बनाई वञे कि उन्हां ते दिखाया वञे अपने व्यूअर्स को भाई इन जगह ते कितना खूबसूरत नज़ारा है इन्हां पहाड़ों का, बड़े ही जबरदस्त दिलकश किस्म के पहाड़ हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देख सो, तो वीडियो के बीच ये पहाड़ वगैरह तो सारा इलाके का नज़ारा दिखाया हुआ सी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला है। बकायदा वीडियो शुरू करने पाया तो देख भी सकते हो जी पहाड़ इन सारे, ये सारा पहाड़ का एरिया है, जहाँ कब्रिस्तान वगैरह भी है। तो ये सारा पहाड़ है, बिलोट के पहाड़ हैं, बिलोट शरीफ में आए हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ हैं, बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती पई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम ही जाते। तो कल तार रात को थोड़ी बारिश वगैरह थी, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं सही जगह ये मस्जिद के सामने देख सकते हो तुसा। पीर शाही साहब का दरबार है, पीर शाही साहब पीर शाही साहब बिलोट शरीफ पहाड़ है, नहीं पहाड़ थोड़े कम आ सकता है। इसी मस्जिद नहीं जाते पीर साहब का दरबार है, पीर शाही साहब इसे का इतना लोग अपनी हाजात मंगने वास्ते आते हैं उन्होंने वसीले ना, ताकि उन्होंने मिल बने। तो ये जगह तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा दिसा है पूरे तलमे इलाके का, हत्ता कि बंदा दरिया सिंह तक देख सकता है जहाँ तो। वीडियो बिल्कुल मुकम्मल जूम करके देखो, इजाज़त वीडियो थोड़ी बढ़ सटी नहीं पी है, ऐसे बना ही जा तो खड़ो के दरिया सिंह तक का नज़ारा दे सकता है। चश्मा बैराज थी गया, चश्मा बैराज इन साइड से थी मैंने, चश्मा बैराज को ना देख सकता है। तो बड़ा ही तले सारा बिलोट शरीफ का इलाका है, तले गाँव है बिलोट शरीफ का, ये इलाका बंदा देख सकता है। ये बारह इमाम की जगह है, तकरीबन बिलोट शरीफ के पहले तशहीरी आबादी है, तो ये बारह इमाम का दरबार बड़ा है। तो बिलोट शरीफ की सब तो तकरीबन मशहूर शरीफ वास्ते बड़े टूरिस्ट भी आते हैं, काफरकोट, काफरकोट का उम्मीद ना सुनो सी ये वो हिंद काफरकोट जहाँ तो थोड़ा दूर थी मैंने, मे बी आधे घंटे का फासला हो सी, क्योंकि सारा पहाड़ है, बाइक तो उन जाते वाइन नहीं सकती, तो पैदल आधे घंटे का फासला है। ये काफरकोट है, ये सारे कदीम हैं पुराने दौर के, तो लोग आते हैं जहाँ पहले काफिर रहने हैं, तो उन्होंने इस बात इसे वास्ते काफरकोट है, क्योंकि काफिर काफरकोट आते रावण वाली जगह, तो यह जगह है काफरकोट। तो इन जहाँ इंशाल्लाह कई डर वैसों बकायदा इसकी वीडियो बनाई वैसी। तो ये सारा पहाड़ है इन जहाँ, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, बड़ी ठंडी हवा खुली हुई है, बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। सारा कब्रिस्तान है, जानवर वगैरह भी चरावन आने, बड़ा प्यारा नज़ारा है। उम्मीद इतों वीडियो बड़ा पसंद आई उसी, असान स्पेशल आया असान के चल सारे बाइक देख सकते हो, बाइक सारे नीचे ठहरे हुए हैं, बाइक भी उत्ते हत्ता के नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारा पहाड़ है, रास्ता ही जहाँ जो है ये सारा देख सकते हो। रास्ता बारिश थी ना बात सराकी जैसा सारा ही जमीन को कपेंदा बहना है, मतलब कटाव करेंदा सारा, तो ये वजह तीजा जाते पक्का रास्ता नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर पक्का रास्ता बने तो दूजी तीजी डर जो डर बारिश का सी वो सारा रास्ता खराब थी सी। तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा है, उम्मीद है थोड़ा आज की वीडियो बड़ी पसंद आई हो सी। चैनल को सब्सक्राइब कराए, लाइक जरूर दिवाए, असं थोड़े पिछले एडे दूर आया है ये वीडियो बनाने वास्ते, अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ तो सही, बेचा भी इन हर शे। शुक्रिया जी।